दोस्तों आरपीएम क्या होता है कि जब नया नया चैनल मोनेटाइज होता है ना, तो उसका जो डॉलर है वो बहुत कम बनता है डॉलर, उसी को बोलते हैं आरपीएम बहुत कम है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब चैनल ग्रोथ करता है ना, जब और जिनका चैनल नया नया मोनेटाइज हुआ है उनका जो होता है मतलब एक डॉलर भी नहीं बनता, एक डॉलर 5-6 हज़ार व्यू जाएगा तब होगा एक डॉलर। और हर वीडियो की अलग अलग आरपीएम होता है, मतलब हर वीडियो अलग अलग डॉलर देता है, कोई 1,000 व्यूज पे कम देगा, कोई 1,000। यूट्यूब पर तो काफ़ी लोग वीडियो अपलोड करते हैं लेकिन बेढंग की तरह, मैं बता रहा हूँ कैसे। कुछ लोग क्या करते हैं कि बस छोटा सा टाइटल डालेंगे और वीडियो अपलोड कर देंगे, ना ही थंबनेल बनाएंगे और ना ही डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और ना ही टैग में कुछ लिखेंगे, बस वीडियो अपलोड कर देंगे। दोस्तों ये जो इंडियन ब्लॉग चैनल है ये 0 सब्सक्राइबर से मैंने चालू किया था और आज 1325 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि ये चैनल भी मोनेटाइज हो चुका है और गूगल एडसेंस पिन भी आ चुका है और मैंने एड्रेस भी वेरीफाई कर लिया और अकाउंट नंबर भी मैंने गूगल एडसेंस में जोड़ लिया है। तो दोस्तों देखिए आरपीएम भी बढ़ रहा है। ये आरपीएम क्या होता है देखिए, जब चैनल नया नया मोनेटाइज होता है तो हर वीडियो के हिसाब से आरपीएम होता है। मान लीजिए कि टैग वीडियो का आरपीएम जो है वो ज़्यादा होता है, और जिनका अच्छा खासा सब्सक्राइबर है जिनका लाखों में है उनका आरपीएम ज़्यादा होगा। आरपीएम ये होता है कि मान लीजिए 1,000 व्यूज का, अब नया नया चैनल मेरा मोनेटाइज हुआ तो उस पर 18.18, 0.25, 0.30, 0.40 ऐसे आरपीएम बढ़ता है, ऐसे डॉलर बढ़ता है। और जिनका चैनल अच्छा खासा लाखों में है उनका तो 2 डॉलर, 3 डॉलर ऐसे आरपीएम होता है, मतलब 1,000 व्यूज पे 2 डॉलर बन जाएंगे, 3 डॉलर भी बन जाएंगे। और जिनका चैनल नया नया मोनेटाइज हुआ है उनका जो होता है मतलब 1 डॉलर भी नहीं बनता, 1 डॉलर 5-6 हज़ार व्यू जाएगा तब होगा 1 डॉलर। काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर बोलते हैं कि 1,000 सब्सक्राइबर मतलब 1,000 व्यूज पे आपको 1 डॉलर मिलेगा, मिलता है, उससे ज़्यादा भी मिलता है। देखिए आरपीएम के ऊपर बात होता है, जिनका चैनल नया है उनका आरपीएम बहुत कम होता है, उनके लिए तो 5-6 हज़ार व्यूज पर 1 डॉलर बनेगा, और जिनका चैनल बड़ा है उनका तो 1,000 डॉलर पर भी 1.5 डॉलर, 2 डॉलर बन जाता है। और हर वीडियो की अलग अलग आरपीएम होता है, मतलब हर वीडियो अलग अलग डॉलर देता है, कोई 1,000 व्यूज पे कम देगा, कोई 1,000 व्यूज पे ज़्यादा देगा, कोई उससे भी ज़्यादा देगा। तो ये जो होता है वीडियो के कैटेगरी के हिसाब से जो है डॉलर बनता है। तो दोस्तों देखिए कई लोग YouTube पर वीडियो अपलोड करते हैं, तो मैं इससे भी थोड़ी जानकारी दे दूं। ब्लॉग में क्या होता है कि थंबनेल आप कैसा भी बना लो थोड़ा बड़ा चल जाता है, बिना थंबनेल का भी ब्लॉग चल जाता है। दोस्तों YouTube पर तो काफ़ी लोग वीडियो अपलोड करते हैं लेकिन बेढंग की तरह, मैं बता रहा हूँ कैसे। कुछ लोग क्या करते हैं कि बस छोटा सा टाइटल डालेंगे और वीडियो अपलोड कर देंगे, ना ही थंबनेल बनाएंगे और ना ही डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और ना ही टैग में कुछ लिखेंगे, बस वीडियो अपलोड कर देंगे। इससे वीडियो की इम्प्रेशन जाता ही नहीं है, रीच जाता ही नहीं है, यूट्यूब लोगों के पास भेजता ही नहीं है वीडियो, इससे क्या होता है CTR डाउन हो जाता है और वीडियो आगे तक जा ही नहीं पाता है, जितने आपके सब्सक्राइबर हैं उन्हीं के पास रह जाता, उससे आगे वीडियो जाता ही नहीं है। तो कभी भी ये गलती मत करना, जब भी आप वीडियो पर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहे हो तो टाइटल पूरा लिखा होना चाहिए, कम से कम 80 और 90 शब्दों के बीच में होना चाहिए, और थंबनेल जो आपकी वीडियो में है वही थंबनेल में लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है कि थंबनेल में कुछ हो रहा है और वीडियो में कुछ हो रहा है, इससे क्या होगा कि जो भी लोग जाएगा वो बैक आ जाएंगे और वो आपके चैनल पर वापस नहीं जाएंगे कभी भी, भरोसा टूट जाएगा, मतलब लोगों को पता चल जाएगा पागल बना रहा है। तो देखिए थंबनेल जो वीडियो में है वही थंबनेल में लिखना है, वही टाइटल में लिखना है, वही डिस्क्रिप्शन में लिखना है, वही ये टैग में लिखना है, कीबोर्ड जिसे बोलते हैं वही टैग में। तो इससे क्या होगा, ये चारों चीज़ें अगर आपका बेहतर अच्छे ढंग से है तो YouTube खुद सर्च इंजन में ले आएगा, सर्च इंजन में आपकी वीडियो जाएगी,
सजेशन में जाएगा, ब्राउज फीचर में जाएगा, यूट्यूब फीचर में जाएगा, पेज में जाएगा। इससे क्या होगा कि आपकी वीडियो काफ़ी दूर तक जाएगा, मतलब काफ़ी लोगों के पास चला जाएगा, जिसे बोलते हैं यूट्यूब रीच ज़्यादा भेज रहा है, मतलब वीडियो काफ़ी लोगों के पास ज़्यादा भेज रहा है। आपका अगर वीडियो क्वालिटी अच्छा है, थंबनेल भी ठीक है, आपने जो वीडियो में जो जानकारी देना था आपको वो बिल्कुल अच्छी तरह दी है, या कॉमेडी की वीडियो बनाए तो बिल्कुल अच्छी तरह बनाए हो, हर चीज़ का ध्यान रखे हो, या ब्लॉग बनाए हो तो कुछ मतलब ऐसी चीज़ नहीं दिखाए हो जिससे लोगों को लगे कि ये गलत बता रहा है या गलत दिखा रहा है। अगर आप अच्छा चीज़ दिखाओगे और जेन्युइन तरीके से बात करोगे, मतलब सच्चाई वाली बात, कभी किसी को पागल मत बनाना यूट्यूब पर, तो इससे क्या होगा कि लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं, सब्सक्राइब नहीं करेंगे। अगर ये चारों चीज़ जब आपका ठीक हो जाएगा, मान लीजिए थंबनेल हो गया, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, फिर टैग हो गया, ये चारों चीज़ आपने बेहतर ढंग से लगाया है, तो इससे क्या होगा सर्च इंजन में चला ही जाएगा, जाने के बाद सजेशन में भी जाएगा, यूट्यूब ब्लॉग फीचर में भी जाएगा, फिर धीरे धीरे उन लोगों के पास चला जाएगा जो लोग आपकी वीडियो मतलब सर्च करेंगे।